व्यापारी पंचायत व्यापारियों की एकजुटता का परिचायक है। आप देख रहे हैं कानपुर मंडल के तमाम जनपदों के व्यापारी साथी सैकड़ों की संख्या में आज इस हॉल में बैठे हैं और ये व्यापारी पंचायत पूरे प्रदेश में आयोजित हो रही है, सभी मंडलों में आयोजित हो रही है और ये संदेश देने जा रही है कि जिस ओर व्यापारी होगा सत्ता उसी ओर रहेगी, जिसका साथ व्यापारी देगा सत्ता में उसी को सफलता प्राप्त होगी। इसलिए खास तौर पर जो सरकार केंद्र में है, जो सरकार उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी की, उनको समझना होगा कि जिन विषयों से व्यापारी प्रभावित है, जिन विषयों से व्यापारी नाराज है, जिन विषयों का व्यापारी निराकरण चाहता है उनका समाधान हो। उसमें जीएसटी की जो दरें बढ़ाने का विषय है, 1 जनवरी 2022 से जूते कपड़े ईंट भट्टे पर, वो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। बढ़ा हुआ मंडी शुल्क, वो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो तहस नहस कर रही हैं बाजार को, जो तहस नहस कर रही हैं हमारे देश के ताने बाने को, और जिस तरह से वो नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ा रही हैं, उन पर नकेल कसे जाने की जरूरत है। भारत सरकार को इस ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अमेजॉन जैसी कंपनी देश के खुदरा व्यापार को बिल्कुल तबाह कर रही है, हर घर में पहुंच करके ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनरावृत्ति कर रही है, भारत सरकार को उस पर तत्काल नकेल कसे जाने की आवश्यकता। हम मांग करते हैं कि व्यापारी आजादी के 75 साल के बाद भी आज गुलाम, देश के तमाम वर्ग, पत्रकार हमारा आजाद हो गया, वकील आजाद हो गया, इंजीनियर डॉक्टर आजाद हो गए, लेकिन व्यापारी आज भी गुलाम। मैं नहीं मानता कि स्वतंत्र भारत में व्यापारी स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र हों इसके लिए काले कानून और इंस्पेक्टर आज हमारे ऊपर से हटाया जाए और व्यापारी को सम्मान दिया जाए, चाहे वो 3 सितंबर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित किया जाना हो, चाहे वो विधान परिषद में चुन करके पंजीकृत व्यापारियों से सदस्य भेजा जाना हो, या डीजल पेट्रोल को रसोई गैस के दायरे में लिया जाना हो। इन सभी बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पर कानपुर मंडल की पंचायत आयोजित हो रही है। इससे पहले बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल की पंचायतें आयोजित हो चुकी हैं। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर काशी मंडल, प्रयागराज मंडल, मिर्जापुर मंडल और आजमगढ़ मंडल, आगरा मंडल, गोरखपुर मंडल, तमाम उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों की पंचायतें आयोजित हो जाएंगी। पूरे प्रदेश के 80 जनपदों के व्यापारियों की राय लेकर हम तय करेंगे कि व्यापारी का इस चुनाव में क्या रुख होगा। लेकिन दो टूक शब्दों में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में 35 साल का ये इतिहास है, जिस ओर व्यापार मंडल रहा है उसी ओर सत्ता रही है और इस बार भी 2022 के चुनाव में भी जिस ओर व्यापारी समाज रहे